नमस्कार दर्शकों, रितम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 10 फरवरी 2024, दिन है शनिवार। विक्रम संवत है 2080, शक संवत है 1945, संवत्सर है पिंगल, सूर्य है उत्तरायण, ऋतु है शिशिर, मास है माघ और पक्ष है कृष्ण, तिथि है प्रतिपदा, जो रात्रि 12:47 तक रहेगी। मतलब क्या है, सुबह से लेकर प्रतिपदा लगी रहेगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि अमावस्या तिथि का 6 हो रहा है, तो अमावस्या तिथि के 6 के बाद, मतलब सुबह ही हो गया, भोर में ही हो गया है, अमावस्या तिथि पूर्ण हो गई है, उसके बाद प्रतिपदा लग गई थी। अब सूर्योदय के समय पर प्रतिपदा तिथि है, तो सारा दिन प्रतिपदा ही माना जाएगा उदया तिथि के हिसाब से। और प्रतिपदा तिथि पूर्ण कब हो रही है, रात्रि में, मतलब मध्य रात्रि में 12:47 पर प्रतिपदा तिथि पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद द्वितीया लग जाएगी। तो कल सूर्योदय पर द्वितीया तिथि होगी, तो द्वितीया ही मानी जाएगी कल के दिन। तो इस तरह से तिथि का हाल रहा। अब राहु काल देखते हैं। राहु काल है 9:51 AM से लेकर के 11:13 AM तक। तो ये रहा आज के दिन का हाल। आइए देखें सभी राशियों का क्या हाल। तो आइए मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि वालों का जो हाल दिख रहा है, वो ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपको थोड़ा सा परेशानी होगी। मतलब अभी तक तो बहुत आराम से आपका जीवन चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, हर चीज़ बहुत बढ़िया हो रहा था, लेकिन अब थोड़ी सी परेशानी होने का बन रहा है। कुछ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाएगी। आपको रिजल्ट तो मिलेंगे, लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे में आपको क्रोध नहीं आना चाहिए, किसी पर इरिटेशन नहीं होने चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जो आसानी से हो सकती थी, किसी की वजह से नहीं हो पाएंगी ठीक तरीके से, तो आपको अब क्रोध आएगा कि भाई तुमने ये काम कैसे क्यों कर दिया, ऐसी दिक्कत आ गई। इसमें आपको क्रोध नहीं करना है, शांत रहना है। आपका समय इतना नहीं बुरा हुआ है कि आपको चिंतित होने की जरूरत है, बस ये थोड़ा सा सुख और परेशानी होने का बन रहा है। तो इसलिए आज के दिन क्या करना है, आज के दिन क्रोध से बचना है। हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ अवश्य करें अर्ली मॉर्निंग में उठकर के, प्रार्थना करके, और साथ साथ महामंत्र का जाप भी कर लेंगे तो आपके लिए काफी शुभ रहेगा। महामंत्र नए दर्शकों के लिए फिर से बता देते हैं। महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप अवश्य करें। आज के दिन अपने आप को उत्साहित रखने के लिए और सही निर्णय ले पाएं, परेशान ना हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप पीला वस्त्र और श्वेत वस्त्र अवश्य धारण करें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। आइए दर्शकों, आप देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपके मन में कुछ उत्साह की कमी आ सकती है। आपका वैसे तो दिमाग बहुत अच्छा काम करता रहेगा, लेकिन कोई भी किसी से भी बातचीत करेंगे तो आपकी निराशा झलक सकती है। तो ऐसे में क्या करें, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ निराशा के साथ बात करेंगे तो व्यक्ति का भी मन नहीं करेगा आपसे बात करने का। बेस्ट रहेगा कि अपने आप को किसी वजह से हंसा लें, चाहे आप जोक सुन लें, कहीं जोक कर लें किसी के साथ, मजाक कर लें, और बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को ठहाका लगा के हंस लें पहले, प्रफुल्लित हो जाए, आनंदित हो जाए, और उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से आप किसी से बात करेंगे तो आप जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी होगी उसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति बहुत प्रभावित होगा, खुश होगा, और आप जो कार्य करना चाहते हैं अवश्य कर पाएंगे। बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बात करेंगे तभी बात बनेगी। तो इस तरह से आप दिन का सदुपयोग कर सकते हैं। आज के दिन के लिए हरा रंग और सफ़ेद रंग बहुत ही शुभदायी होगा। आइए दर्शकों, अब देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए जो समय दिख रहा है, उस समय पर ऐसा दिख रहा है जैसे आप बहुत गहराई से चिंतित होंगे और अपने मन में बहुत उदासी से रखेंगे। आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त निराशा आपको घेर रखेगी, लेकिन आपको इससे बचना है। आपको क्या करना है, आज के दिन कोशिश करना है कि बहुत अच्छा समय बिताने के लिए अपने आप को प्रेरित करें। मतलब अपने जीवन साथी के साथ, अपने परिवार के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। अगर वो लोग दुखी हैं, आपके साथ अच्छी ट्यूनिंग नहीं बन पा रही है, तो कोशिश करें कि कुछ अच्छे तरीके से अच्छी कॉमेडी मूवी देख सकते हैं, कुछ बातें कर सकते हैं, अच्छी बातें कर सकते हैं, पॉजिटिव बातें कर सकते हैं। कोशिश करें अपने आप को पैम्पर करने का, अपने आप को उत्साहित करने का, तभी अच्छा रहेगा। और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, मतलब आपके शरीर में जल तत्व की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से पानी पिएं, लिक्विड पिएं, जूस पिएं, दूध पिएं इत्यादि, अगर पी करके अपने शरीर में जल तत्व भरपूर मात्रा में रखेंगे तो आपके मन में उत्साह बना रहेगा और निराशा में जाने से बचना है। तो इसलिए आप अपने आप को कोशिश करें कि पॉजिटिव रखें। महामंत्र का जाप करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। और अगर सोचना ही है, सोचने की क्षमता प्रभु ने दिया ही है, तो आप कोशिश करें कि प्रोडक्टिव थॉट पर सोचें, कोई अच्छा करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए सोचेंगे तो आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। आज के दिन के लिए पीला रंग और हरा रंग आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। महामंत्र का जाप करना आपके लिए फायदेमंद है, इसलिए महामंत्र जो नए दर्शक हैं उनके लिए फिर से बता देते हैं। महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र की कम से कम एक माला अवश्य जाप करें, ज़्यादा करेंगे तो बेहतर होगा।
तो इससे आपको मन में बहुत पॉजिटिविटी आएगी और नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। आइए दर्शकों, अब देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों का समय तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही पावरफुल चल रहा है। इसमें पर बहुत अच्छी तरीके से आपका बिजनेस या आपका आपके जॉब में भी एक्सपेंशन होने का दिख रहा है। मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका कार्य का विस्तार होने का, आपका प्रचार होने का, आपका काम बढ़ने का बहुत अच्छा योग दिख रहा है। लेकिन अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको सभी लोग जानेंगे। कुछ आप अच्छा ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको सभी लोग जानेंगे, इसीलिए अपने अंदर जो हीन भावना अभी आ रही है आज के दिन उसको आने नहीं दें। इससे बचने के लिए क्या करना है, आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है, जल की मात्रा आपके शरीर में भरपूर होनी चाहिए, दूध जूस और पानी वगैरह ठीक तरीके से पी करके अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और साथ में अपने आप को उत्साहित रखें। कुछ नहीं हो तो अगर आपके मन में जब भी निराशा है तो कोई अच्छा सा जो आपका मनपसंद गाना है वो सुन सकते हैं, और साथ साथ ये भी है कि आप कुछ जोक्स सुन सकते हैं जो हेल्दी जोक्स होते हैं, कोई ऐसी मूवी देख सकते हैं जिसमें कि आप बदतमीजियाँ ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, क्राइम ना हो, क्योंकि अगर आप क्राइम और लड़ाई झगड़ा देखेंगे तो आपके अंदर वैसे ही मन दुखी था बहुत दुखी हो जाएगा और नेगेटिव की तरफ आपका माइंड चला जाएगा। कोशिश करें कि हेल्दी मूवीज़ देखें जिसमें पारिवारिक बहुत अच्छा सामंजस्य हो और या फिर अच्छी हेल्दी कॉमेडी हो, तो इससे आप अपने आपको अपना मूड अपलिफ्ट कर पाएंगे और ठीक तरीके से समय का सदुपयोग कर पाएंगे और लाभ ले पाएंगे। आज के दिन के लिए बहुत अच्छा रहेगा यदि आप लाल वस्त्र और साथ में पीला वस्त्र इन दोनों का कॉम्बिनेशन पहनेंगे तो आपके लिए काफी शुभ। आइए दर्शकों, अब देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपके मन में कुछ निराशा रहेगी। हालांकि आपका मस्तिष्क बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत उत्साहित भी है, सब तरफ से ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे ही अपने आप को देख रहे हैं, अपने कुछ पिछले दिनों में देख रहे हैं कि आप कुछ ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, बात बन नहीं पा रही है, कोई भी कार्य सही तरीके से कर नहीं पा रहे हैं और आपको इस बारे में बहुत ज़बरदस्त निराशा और डिप्रेशन जैसी बात हो रही है, तो कोशिश करें कि अपने आप को निराशा से बचाएं कि ऐसा नहीं है कि आप कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा सिचुएशन ऐसी है ग्रहों की परिस्थितियों की वजह से आपकी पूरी बात बन नहीं पा रही, पूरी तरह से कार्य हो नहीं पा रहा है, इसके लिए अपने आप को दोष न दें। कुछ समय कुछ दिन की बात है, कुछ दिन के बाद ही आपका समय बदलने वाला है और पूरी तरह से आपका समय बदल जाएगा और आप फिर से उत्साह के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और सब तरह से सफलता प्राप्त होने लगेगी, ऐसा होने का दिख रहा है। तो ऐसे में अपने आप को ब्लेम ना दें और कोशिश करें कि आज के दिन पीला वस्त्र पहने और कोशिश करें कि अच्छे अच्छे वस्त्र पहन कर अपने आप को प्रफुल्लित रखें, खुश रखें और कोशिश करें कि अच्छी अच्छी आप घटनाएं आपके जीवन में घटें जिससे आप आनंदित हो, अपने आप को पैम्पर करने की कोशिश करें, खुश करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से आप दिन का सदुपयोग कर पाएंगे और लाभ। आए दर्शकों, अब देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपका माइंड तो बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से सही तरीके से निर्णय लेने की क्षमता भी आपके अंदर बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन फिर भी आपको लाभ उस तरीके से नहीं मिल पाएगा और आपको नुकसान होने के चांसेस भी बन रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना है, बुद्धि लगाकर काम तो करें लेकिन सेफ्टी का विशेष ध्यान रखें। सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी, ऐसा होने का योग बन जाता है। तो इसीलिए क्या करें, आप सीसीटीवी वगैरह आपके सेफ्टी के लिए जो भी चीज़ें करनी चाहिए वो सब कुछ करें, कुछ भी करें, आप किसी के साथ डील करें, कोई ट्रांजैक्शन करें तो रिटेन होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, एविडेंसेस होने चाहिए, कल को मुकर ना जाए कोई व्यक्ति कि आपने पेमेंट दिया था या किसी से पेमेंट रिसीव करते हैं पार्ट पेमेंट और व्यक्ति कहा जी मैंने फुल पेमेंट कर दिया था, ऐसा भी ना हो जाए। इस तरह की छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रख करके अगर आप चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और दिन का सदुपयोग कर पाएंगे। समय तो अच्छा है ही, सब तरह से अच्छा होता जाएगा, सिर्फ पेमेंट्स का आज विशेष तौर पर ध्यान रखना है तो बहुत अच्छा रहेगा। आज के दिन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, हरा पीला कॉम्बिनेशन अगर पहनेंगे तो आपके लिए शुभ। आइए दर्शकों, अब देखते हैं तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आप सही निर्णय ले सकते हैं, आपके मन में अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से विस्तार करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसमें कुछ अच्छे तरीके से प्लान करने के लिए बहुत अच्छा समय दिख रहा है। ऐसे में कुछ काम स्लो तो चलेगा मगर आप अच्छे तरीके से प्लान करके उसको सही तरीके से मैनेज कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैनेज करने का दिख रहा है कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने विवेक का इस्तेमाल करके कुछ इम्प्रूव करेंगे, सिस्टम को ठीक से रीसेट करेंगे, उससे आपका जो कार्य है वो बहुत अच्छे तरीके से संभल जाएगा और बेहतर हो जाएगा। सेफ्टी का ध्यान रखते हुए अगर आप चलते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और अपने कार्य को व्यवस्थित करने के लिए आपके पास काफ़ी एनर्जी है जिसमें आप हर कुछ बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ऐसी ऊर्जा है तो फिर किसी बात के लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आज के दिन काला वस्त्र पहना है और साथ साथ ऑफ वाइट रंग पहने तो आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा और साथ साथ सफ़ेद रंग भी शामिल करेंगे तो काफ़ी अच्छा है। आइए दर्शकों, अब देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपके भाग्य का बहुत अच्छा सा सहयोग मिलेगा। हालांकि आपको लगेगा कि आपको बहुत कुछ इतना नहीं मिल पा रहा जितना मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी आप अगर सोचेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा नहीं सोचेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत कुछ मिल पा रहा है क्योंकि एनर्जी बहुत हाई है।
आपकी सोच में भी, आपके मन में भी बहुत अच्छी हाई दिख रही है और आप इस कैपेबिलिटी के साथ बहुत अच्छी तरीके से अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बस ये है कि शर्त सिर्फ ये है कि आप अपने परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिताने की कोशिश करें, अपने जीवन साथी के साथ, अपने बच्चों के साथ, यदि आपके बच्चे हैं तो आप समय बिताने की कोशिश करें अपने मित्रों के साथ भी, जिससे आपके अंदर बहुत खुशी आएगी, बहुत उत्साह आएगा और नए उत्साह के साथ आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप स्टूडेंट्स अगर पढ़ लिख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आज के दिन बहुत कुछ जो कुछ करना चाहते थे उन सब चीज़ों पर ध्यान दें। कुछ ऐसे सम्स थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी आप पढ़ नहीं पा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, आपको समझ में आ रहा था कोई सब्जेक्ट या कोई चैप्टर, तो आप कोशिश करें कि आज के दिन अवश्य पढ़ें। आपके अंदर जो डायनेमिक पावर दिख रही है, उस कैपेबिलिटी दिख रही है, उस चीज़ों को समझने की क्षमता आपके अंदर काफ़ी अच्छी आ जाएगी ऐसा दिखता है। इसलिए आज का दिन का पूर्ण सदुपयोग करिए और कोशिश करिए कि आज के दिन पीला रंग और हरा रंग और साथ में सफ़ेद रंग जरूर उपयोग में लाएं, इससे लाभ मिलेगा। आइए दर्शकों, अब देखते हैं धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए समय ऐसा दिख रहा है जिसमें आपके खुद के अंदर बहुत अच्छा परिवर्तन करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए और बेहतर करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। इस दिन अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, बेहतर करेंगे, तो काफ़ी अच्छे तरीके से लाभ ले पाएंगे। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि बहुत गहन चिंता में पड़ने के बजाय आप अपने आप में इम्प्रूव कीजिए और अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताएं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके जीवन साथी के साथ, आपके मित्रों के साथ, आप परिवार के साथ आपका समय बिताना बेहद लाभकारी होगा। इससे आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा और काफ़ी समय से जो आप उलझे हुए थे, परेशान थे, अपने आप को अकेला पा रहे थे, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और आपको ऐसा एहसास होगा कि आपका परिवार, आपके लोग आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। और यह फील होना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास और शक्ति प्रदान करेगा। तो इसलिए अपने आप को मजबूत करें, इमोशनली मजबूत करें और वैसे भी मजबूत करें, और स्पिरिचुअली भी आप काफ़ी अपने आप को बेटर पाएंगे यदि आप परिवार के साथ समय बिताएंगे। तो इस तरह से करके आप दिन को बेहतर कर सकते हैं और आज के दिन के लिए पीला रंग, हरा रंग और साथ साथ आपके लिए ऑफ वाइट रंग आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। आइए दर्शकों, अब देखते हैं मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर बहुत अच्छे तरीके से आप अपने जीवन का सदुपयोग कर सकते हैं। बस ये जरूर है कि अपने जीवन साथी के साथ कुछ समय बिताने की कोशिश करें, उनको कुछ समय दें तो अच्छा रहेगा। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको वो सुकून भी मिलेगा। जो आपके पास जो एनर्जी दिख रही है जो काफ़ी हाई है, उस एनर्जी को सही अच्छा पॉजिटिव डायरेक्शन मिल जाएगा और अच्छे तरीके से आप अच्छा महसूस करते हुए अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आज के दिन कोशिश करें कि आज के दिन आप ब्लू कलर और साथ में लाल रंग, काला रंग और सफ़ेद रंग, इन रंगों का तालमेल के साथ अगर कुछ पहनेंगे तो आपके लिए काफ़ी डायनेमिक डेवलपमेंट करने में आपको सहायता मिल जाएगी। आइए दर्शकों, अब देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए कुछ समय ऐसा दिख रहा है जिस समय पर आपके जीवन में, यदि आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने किसी भी तरह की दुर्घटना से बचाने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए बड़ा ही लाभकारी रहेगा। बहुत अच्छी तरीके से लाभ लेते हुए आप आगे बढ़ पाएंगे और किसी भी तरह की परेशानी, अड़चन नहीं आ पाएगी। बेस्ट रहेगा आज के दिन कि आप सुबह सुबह उठ करके, नहा धो करके आप महामंत्र का जाप अवश्य करें। महामंत्र का जाप करने से आपके मन में किसी तरह की नेगेटिविटी, किसी तरह के बुरे ख्याल नहीं आएंगे और किसी तरह की नेगेटिविटी से बचने में भी आपको मदद मिलेगी। मेरी सलाह रहेगी कि आप किसी भी तरह की यात्रा को स्थगित कर दें, अवॉइड करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि आपका बिना यात्रा के ही अगर काम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। कम्युनिकेशन से भी काम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत अच्छा हेल्दी कम्युनिकेशन करने का दिखता है, उससे आपको लाभ भी मिलने का बनता है। इसलिए चलना फिरना, ट्रैवलिंग अवॉइड करके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप चलेंगे तो आज का दिन का सदुपयोग कर पाएंगे। आज के दिन के लिए काला नीला रंग तो निश्चित तौर पर पहने और साथ में पीला रंग भी आपके लिए शुभदायी रहेगा। आइए दर्शकों, देखते हैं मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आप दूसरों की मदद करने की कोशिश करेंगे, परोपकार करेंगे, दान पुण्य करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आपको बहुत ध्यान रखना है कि आज के दिन यदि आप दान करते हैं किसी वस्तु का या रुपयों का, धन का दान करते हैं, तो उससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए अवॉइड करें आज के दिन किसी वस्तु या धन का दान करने के लिए। आज के दिन के लिए अगर आपको बहुत इच्छा करती है तो आपको भी श्रम का दान कर लें और श्रम दान आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लाभकारी रहेगा और आपको काफ़ी सुकून देगा। तो इस तरह से करके आप दिन का सदुपयोग कर सकते हैं। आज के दिन के लिए आपके लिए पीला रंग और हरा रंग आपके लिए काफ़ी शुभ। तो ये था दर्शकों आज के दिन का हाल। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का दिन बहुत अच्छा जाएगा। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं स्वीकार करें। कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।